कनेर में नमकीन के अलावा सूखी सब्जियां भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसी एक सब्जी है जो ज्यादातर बीकानेर की प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के एलोवेरा यानी कुंवर पाठे की। बीकानेर से करीब 25 किलोमीटर दूर देवीकुंड सागर गांव का कुंवर पाठा काफी प्रसिद्ध है। इस गांव की खासियत है कि इस गांव के हर घर में एलोवेरा यानी कुंवर पाठे की खेती होती है। इस गांव में बड़ी संख्या में एलोवेरा भारत के कई शहरों में सप्लाई होता है। किसान चंद्रकांत पुरोहित बताते हैं कि सागर गांव में करीब 100 सालों से हर घर में एलोवेरा की खेती हो रही है। इससे पहले उनके दादाजी और पिताजी करते थे और वे करीब 30 सालों से एलोवेरा की खेती कर रहे हैं। वे बाजार में इसे 15 से 20 रुपए किलो बेचते हैं। वे बताते हैं कि एलोवेरा करीब एक माह में उग जाता है और उगने पर तोड़ लेते हैं, फिर दूसरा उसकी जगह उगना शुरू हो जाता है। वे एक बार में तोड़ने पर उन्हें करीब 20,000 रुपए का मुनाफा होता है। वे बताते हैं कि इस गांव में सबसे अच्छी एलोवेरा की किस्म पाई जाती है। यहां सागर गांव का ग्वार पाठा अन्य ग्वार पाठे की तुलना में बेहद अच्छा होता है। यहां के ग्वार एलोवेरा में कैलोरी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहां की मिट्टी में बड़ी संख्या में ग्वार पाठा उगता है। इस एलोवेरा को लोग सब्जी बनाने, जूस सहित शरीर पर अन्य जगह लगाने और इस जूस से कई तरह के दैनिक जरूरतमंद की साबुन और भी बनाते हैं। सागर गांव में हमारे लगभग हर घर में पाया जाता है और यहाँ सबसे बढ़िया ग्वार पाठे की किस्म के होते हैं और ये सब्जी में और जूस में काम लेते हैं इनको। ये दो प्रकार का होता है, एक से सब्जी बनती है, दूसरे से जूस बनता है। और जो जूस बनता है उससे साबुन वगैरह उसमें भी काम आता है। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमारे सागर गांव में ग्वार पाठा है। पूरे भारत में यहाँ से जाता है और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अन्य ग्वार पाठों से ज़्यादा ही अच्छा पाया जाता है। और दूसरा, इनमें जो एक ऐसी कैलोरी इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस ग्वार पाठे में और इसीलिए ये यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है। पूरे देशों में यहाँ से सप्लाई होती है और यहाँ की मिट्टी वगैरह सब अच्छी है। और तो मंडी के अनुसार भाव तय होते हैं इनका, लगभग 15 रुपये से 20 रुपये किलो तक इसकी खरीद होती है।